नमस्कार श्रोतागण, मैं हिमांशी चौधरी आपका स्वागत करती हूँ रेडियो बोस के हमारे विशेष कार्यक्रम में, जिसका नाम है एक नए भारत का निर्माण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज हम उस व्यक्तित्व का जन्म दिवस मना रहे हैं जिन्होंने भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुँचाने का सपना देखा और उसे साकार करने में जुटे हैं। जी हाँ, आज है हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन। गुजरात के वडनगर में 17 सितंबर 1950 को जन्मे नरेंद्र मोदी जी का जीवन सादगी और संघर्षों से भरा रहा। एक सामान्य परिवार से निकलकर वह आज विश्व के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक बन चुके हैं। उनका जीवन एक प्रेरणा है, युवा शक्ति को प्रोत्साहित करने का प्रतीक है, नारी शक्ति को सशक्त करने का संदेश है और गरीबों के उत्थान के लिए प्रयासों की मिसाल है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने नेतृत्व में भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाई है, चाहे वह स्वच्छ भारत अभियान हो या मेक इन इंडिया का सपना, हर योजना में उनकी दूरदर्शिता और संकल्प दिखाई देता है। आइए जानते हैं उनके कुछ प्रमुख योगदानों के बारे में। स्वच्छ भारत मिशन। प्रधानमंत्री ने स्वच्छता को एक जन आंदोलन बनाया। इस मिशन के तहत गांवों और शहरों में लाखों शौचालय बनाए गए, जिससे स्वच्छता की स्थिति में अभूतपूर्व सुधार हुआ। आयुष्मान भारत। इस योजना ने गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई। आज लाखों लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सुधार। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने कई देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत किया है। उनकी विदेश नीति ने भारत को एक मजबूत वैश्विक खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया है। नरेंद्र मोदी जी का व्यक्तित्व और उनकी नेतृत्व क्षमता आज हर भारतीय के दिल में बसती है। एक चाय बेचने वाले का बेटा आज देश का प्रधानमंत्री बनकर करोड़ों लोगों की उम्मीदों का नेतृत्व कर रहा है। यह उनकी मेहनत, समर्पण और देश प्रेम का प्रमाण है। तो श्रोतागण, इस तरह प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने कर्म और सेवा भाव से एक नए भारत का निर्माण किया है। हम कामना करते हैं कि वह इसी तरह आगे बढ़ते रहें और देश को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाते रहें। अंत में हम मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।